दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बोंकू फ्रेंड और इस कहानी को लिखा है सत्यजीत राय ने लाइन बाय लाइन हम लोग पूरी कहानी को पढ़ेंगे ये कहानी है बोंकू बाबू की जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है किसी ने भी आज तक बोंकू बाबू को गुस्से होते हुए नहीं देखा बोंकू बाबू कभी गुस्सा नहीं करते थे और बहुत मुश्किल था ये जान पाना कि अगर बोंकू बाबू को किसी दिन गुस्सा आ गया होता तो क्या उनका रिएक्शन होता वो किस तरह से पेश आते जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बचपन में सोचा करते थे कि अगर राहुल ड्रेविड सर को कभी गुस्सा आ गया तो किस तरह से उनका रिएक्शन होगा कभी गुस्सा नहीं करते थे हमेशा ठंडे रहते थे बिल्कुल ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि बोंकू बाबू हमेशा शांत रहते थे ठंडे रहते थे कभी गुस्सा नहीं करते थे और बहुत मुश्किल था ये जान पाना कि अगर बोंकू बाबू को किसी दिन गुस्सा आ गया तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे क्या बोलेंगे अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता इनको तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी जिंदगी में कोई रीजन ही नहीं होगा गुस्सा करने का सब कुछ अच्छा चल रहा होगा इनकी जिंदगी में लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत सारी वजहें थी इनके पास में गुस्सा करने के लिए लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करते थे पिछले 22 सालों से 22 टू ईयस से बोंकू बाबू ने जोग्राफी और बंगाली पढ़ाई है कांकुर काची विलेज के प्राइमरी स्कूल में सब्जेक्ट्स के नाम और गांव का नाम नोट डाउन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको ठीक है ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाते थे और कहाँ पर पढ़ाते थे कांग्र गाच विलेज में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे अब देखो हर साल नए बच्चे आते थे स्कूल में पुराने बच्चों की जगह लेते थे जैसे इंग्लिश फॉर ऑल पर आप नए नए आए होंगे क्लास नाइन्थ में नए मेहमान हो हमारे अगले साल दूसरे बच्चे आएंगे तो यहाँ पर भी हर साल नए बच्चे आते थे लेकिन बच्चे चाहे नए हो या पुराने हो एक चीज सभी बच्चों में कॉमन थी सभी बच्चे बेचारे बॉन्कू बाबू को छेड़ा करते थे उनका मजाक उड़ाया करते थे एक ट्रेडिशन बन गया था नियम बन गया था बोंकू बाबू की खिल्ली उड़ाने का अब कैसे कैसे खिल्ली उड़ाई जाती है बोंकू बाबू की कुछ बच्चे क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड पर बोंकू बाबू का कार्टून बना दिया करते थे कुछ बच्चे बोंकू बाबू की कुर्सी पर ग्लू लगा दिया करते थे और काली पूजा की रात को बच्चे बोंकू बाबू के पीछे रॉकेट लगा दिया करते थे जला के समझ में आ रहा है आपको बोंकू बाबू की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे बहुत परेशान करते थे उनको लेकिन फिर भी बॉन्कू बाबू इन सब चीजों से कभी परेशान नहीं हुए कभी कभी वो कहते थे अपना गला साफ करते हुए <coughs> शेम ऑन यू बॉयज शर्म आनी चाहिए बच्चों तुम्हें बस ये मैक्सिमम लिमिट थी वैसे तो कुछ बोलते नहीं थे लेकिन जब बोलते थे तो बस इतना बोलते थे गला साफ करके कि शेम ऑन यू बॉयज शर्म आनी चाहिए तुम्हें बॉन्कू बाबू के शांत रहने का रीजन ये भी था कि वो गुस्सा कर ही नहीं सकते थे देखो एग्रेशन कब आता है एग्रेशन तब आता है जब आपके पास में या तो ताकत होती है पैसा होता है कनेक्शनस होते हैं आपके जिसम में जान होती है लेकिन बंकू बाबू के पास में तो कुछ भी नहीं था बेचारे ठहरे एक मामूली टीचर भला गुस्सा करें तो करें कैसे अगर वो गुस्से में आके अपनी जॉब को छोड़ भी दें तो वे जानते हैं कि इस उम्र में दूसरी जॉब मिल पाना कितना मुश्किल काम है प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर मैंने गुस्से में आके अपनी जॉब को छोड़ दिया तो भैया दूसरी जॉब मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस उम्र में पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया दूसरा रीज़न ये है कि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हालांकि इनकी पूरी क्लास बदमाशी होती है लगभग लेकिन चंद बच्चे होते हैं जो शरीफ होते हैं अच्छे होते हैं जो इनके रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं चंद बच्चों को बांकू बाबू को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था हर टीचर के कुछ ना कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं आपके स्कूल में भी होंगे जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में और इंडिया के हर कॉलेज के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इंग्लिश फॉर ऑल से लेकिन सी के बच्चों से एक अलग ही लगाव है आई के बच्चों की जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों बोंकू बाबू को टीचिंग बहुत पसंद थी अच्छे टीचर थे और उन चंद बच्चों को पढ़ाकर बोंकू बाबू को जिंदगी का मजा आ जाता था और जो अच्छे बच्चे होते थे ना उनको बोंकू बाबू अपने घर में भी बुलाया करते थे कभी कभी घर में बुला के नाश्ता भी कराते थे स्नैक्स ऑफर करते थे उनको और फॉरेन लैंड्स और एक्साइटिंग एडवेंचर्स के बारे में भी बताते थे देखो मैंने आपको बताया था कि बोंकू बाबू बंगाली और जोग्राफी के टीचर थे तो जोग्राफी के टीचर थे इसलिए फॉरेन लैंड्स के बारे में उन्हें पता था अब देखो फॉरेन लैंड्स और एक्साइटिंग एडवेंचर्स में बोंकू बाबू क्या क्या बताते थे बोंकू बाबू बताते थे बच्चों को अफ्रीका की जिंदगी के बारे में और बताते थे कि कैसे नॉर्थ पोल की डिस्कवरी की गई और ब्राजील की मछली जो इंसान के फ्लैश को खाती है और एटलांटिस के बारे में भी बताते थे, थे द कॉन्टिनेंट सबमर्श अंडर द दे सी देखो कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे होते हैं जो पानी में नीचे डूब चुके होते हैं पहले जमीन थी लेकिन पानी का लेवल बढ़ा तो वो पानी में डूब गए जमीन पानी में डूब गई तो उन डूबी हुई जमीनों को कहा जाता है कॉन्टिनेंट सबमर्श अंडर द सी समझ में आ रहा है आपको ये सारे फॉरेन लैंड और एक्साइटिंग एडवेंचर्स के बारे में बॉन्कू बाबू अपने अच्छे बच्चों को बताते थे घर पे बुला के स्नैक्स खिला के बोंकू बाबू एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे कहानी बहुत बढ़िया तरह से सुनाया करते थे और उनकी मजेदार कहानिया स्टूडेंट भी बहुत ध्यान से बहुत मजे से सुना करते थे दोस्तों वीकेंड के दौरान बोंकू बाबू एक लॉयर के घर में जाया करता था जिसका नाम था श्रीपति मजुमदार ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इसका नाम ध्यान रखना आप ये एक लॉयर है शाम को इनके घर पे क्या होता था गेट टुगेदर होता था बाकी सभी दोस्त आते थे इनके घर पर एक साथ हंसी मजाक करने के लिए वक्त गुजारने के लिए देखो पुराने जमाने में लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे और उस जमाने में लॉयर की बहुत ज्यादा इज्जत थी एक बड़ा आदमी माना जाता था लॉयर को और इसीलिए सभी लोग श्रीपति के घर पर इकट्ठा होते थे तो बोंकू बाबू भी जाते थे श्रीपति के घर पर लेकिन वहां पर बोंकू बाबू के टांग को खींचा जाता था कई बार क्या होता था बॉन्कू बाबू उनके घर से वापस आ जाते थे और सोचते थे कि अब नहीं जाऊंगा इसके घर पर श्रीपति के घर पर अब नहीं जाऊंगा मैं इनफ इज इनफ बहुत हो गया अब नहीं आऊंगा देखो बच्चे मजाक उड़ाते हैं ठीक है चलता है बांकू बाबू बर्दाश्त कर लिया करते थे ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं बच्चे इमे चोर है लेकिन जब बड़ी उम्र के लोगों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो फिर बर्दाश्त की हद हो गई श्रीपति बाबू के जितने भी अड्डे थे ना शाम को बैठने के लिए उन सब अड्डों पर बांकू बाबू का खूब मजाक उड़ाया जाता था जम के अड्डा समझते हो ना आप जहाँ पर चंद लोग इकट्ठा होते हैं और गॉसिप करते हैं जैसे जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे दूसरी क्लास के बच्चे भी दोस्त बने हुए थे तो हम लोग रिसिस में एक जगह थी एक अड्डा था हमारा कैंटीन के पास में वहां पर सभी लोग आते थे तो ऐसे ही श्रीपति बाबू का भी अड्डा था सभी लोग मिलते थे वहां पर आके शाम को बातचीत करते थे लेकिन उन अड्डों पर बोंकू बाबू का मजाक उड़ाया जाता था कई बार तो इतना मजाक बनता था इतनी टांग खींची जाती थी कि बोंकू बाबू की सहन शक्ति टूटने वाली होती थी हाल ही में क्या हुआ कुछ दिन पहले की बात है मुश्किल से दो महीने भी नहीं हुए होंगे इस बात को ग्रुप में भूत प्रेतों की बातें चल रही थी अक्सर बोंकू बाबू अपना मुंह बंद रखा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं कुछ बोला अपना मुंह खोला मैंने तो फिर मेरा मजाक उड़ेगा लेकिन उस दिन न जाने क्यों बोंकू बाबू बोल पड़े भूत प्रेत की बातों पे बॉन्कू बाबू ने बोला कि मैं तो नहीं डरता भूतों से बस भाई इतना कहने की देर थी सभी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई सभी के दिल में लड्डू फूटने लगे अब आएगा मजा अब नहीं छोड़ेंगे ये लोग बोंकू बाबू को तो ये लोग क्या करते हैं उस रात ना बोंकू बाबू जब अपने घर पर वापस जा रहे होते हैं तो बोंकू बाबू पर एक स्पूक ने अटैक किया स्पूक देखो कुछ इस तरह का होता है आदमी चादर डाल के भूत बन जाता है इसमें तो स्पूक ने अटैक कर दिया बोंकू बाबू पे बोंकू बाबू इमली के पेड़ के नीचे से होते हुए गुजर रहे थे और तभी एक लंबा और पतली फिगर कूद पड़ी उनके ऊपर झपट पड़ा बोंकू बाबू की कमर पे दोस्तों स्पूक झपटा है ना बोंकू बाबू पे इस स्पूक ने अपने आप पर काली कलर की इंक को लगा रखा है सियाही पोत रखी है काली कलर की और शायद मीटिंग में ही किसी ने सजेस्ट किया हो कि काले रंग की सियाही तुम अपने आप पर पोत लेना समझ में आ रहा है आपको है कि तुम झपट जाना बोंगो बाबू पर रात में स्पूक बन के काली सियाही पोत के दोस्तों बोंगो बाबू स्पूक को देख के डरे नहीं उन्होंने सच कहा था कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता लेकिन बेचारों के ऊपर जब वो स्पूक झपटा ना तो उन्हें चोट लग गई जख्मी हो गए बेचारे और अगले तीन दिन तक उनकी गर्दन में दर्द रहा और सबसे बुरी बात यह है कि बेचारों का नया कुर्ता फट गया और उस पूरे कुर्ते के ऊपर काले रंग के धब्बे लग चुके थे यह किस तरह का मजाक था अब हालांकि बोंकू बाबू को पसंद नहीं था इन मीटिंग्स में आना अपने दोस्तों से मिलना बातें करना लेकिन फिर भी उन्हें अड्डे पर आना पड़ता था वो ये सोचा करते थे कि अगर मैं नहीं गया तो फिर श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे देखो मैंने आपको बताया था कि पहले ज़माने में वकीलों का बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता था कोई कोई वकील बनता था और जो बनता था ना वकील गांव में उसकी बहुत इज्जत होती थी तो श्रीपति बाबू भी एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे स्कूल कमेटी में और गांव में भी वो एक बड़े इंसान थे अब श्रीपति बाबू ये चाहता था कि बोंकू बाबू अड्डे पर आए और फिर सभी लोग उनका मजाक उड़ाए हमारा एंटरटेनमेंट हो समझ में आ रहा है आपको बोंकू बाबू श्रीपति को नाराज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो स्कूल कमेटी में एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे और गांव में भी उनका बड़ा नाम था इसीलिए बेचारों को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था अड्डों पर और अपना मजाक बनवाना पड़ता था एक दिन क्या होता है ये लोग बातें कर रहे होते हैं स्पेस की अंतरिक्ष की बातें कर रहे होते हैं स्पेस शिप की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले नॉर्थ पोल पर एक मूविंग लाइट को देखा गया था नॉर्थ साइड पे नॉर्दर्न स्काई पर शाम के टाइम पर एक लाइट को देखा गया था तीन महीने पहले देखी गई लाइट के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही थी बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे और आखिर में जाके पता लगा था कि वो लाइट रशियन सैटेलाइट है रशिया की सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट का नाम था खोटका या फिर फोसका ऐसे कुछ मिलता जुलता नाम था खोटका या फोस का बहरहाल ये सैटेलाइट दुनिया का चक्कर लगा सकती है एट अ हाइट ऑफ फोर हंड्रेड माइल्स और ये सैटेलाइट बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकती है साइंटिस्ट को समझ में आ रहा है आपको देखो टॉपिक क्या है टॉपिक है स्पेस का स्पेसशिप का क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक लाइट को देखा गया है और उससे पहले भी लाइट को देखा गया था वो लाइट रशियन सैटेलाइट निकली थी इसलिए यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड बातें हो रही हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वर्ल्ड कप आता है तो सब लोग क्रिकेट की बातें कर रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सैटेलाइट दिखी है लोगों को तो इसी वजह से सब जगह पर स्पेस की बातें हो रही हैं तो जब ये लाइट दिखाई देती है ना अजीब सी तो सबसे पहले बोंकू बाबू ने इस अजीब सी दिखने वाली लाइट को देखा था लाइट दिखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम था निधु बाबू और निधु बाबू को बुला के लाइट को दिखाया लेकिन जब बोंकू बाबू मीटिंग में आए तो अड्डे पर आके उन्होंने देखा कि निधु बाबू ने सारा क्रेडिट ले लिया है पहले लाइट को देखने का निधु बाबू डींगे मार रहे थे लंबी लंबी फेंक रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले लाइट को देखा था जबकि सच्चाई क्या है कि बोंगो बाबू ने लाइट को देखा था उसके बाद उन्होंने निधु बाबू को बुलाया था बोंगो बाबू ने कुछ नहीं बोला ग्रुप में लोगों को सैटेलाइट के बारे में कुछ खास नहीं पता था लेकिन कम जानकारी होने के बाद भी इन लोगों ने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस देने बंद ना किए पता लोगों को कुछ है नहीं लेकिन बातें ऐसी करेंगे जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यह अपने इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है जितना कम नॉलेज होगा ना उतना ज्यादा ज्ञान बांटेगा तो सबसे पहले कमेंट आता है चंदी बाबू से कहता है कि किसी ने देख लिया एक अंधेरे आसमान के कोने में लाइट को और फिर मीडिया ने छापना शुरू कर दिया उसके बारे में हाँ, हाँ, सब बकवास है हाँ। उसी ग्रुप में रामकनई नाम का एक इंसान बैठा हुआ था उसकी उम्र कम थी नौजवान था रामकनई को चंदे बाबू की बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने चंदे बाबू की बात को काटते हुए कहा भले ही हम में से किसी ने सैटेलाइट को नहीं बनाया हो लेकिन सैटेलाइट को इंसान ने तो बनाया है ना और इंसान तरक्की कर रहा है बहुत अच्छी बात है अब सैटेलाइट किसी बंदर ने तो बनाई नहीं होगी इंसान नहीं बनाई होगी समझ में आ रहा है आपको जैसे मान लो रशिया के किसी साइंटिस्ट ने सैटेलाइट को बनाया है या कोई और खोज करी है तो साइंस तरक्की कर रही है ना इंसान तरक्की कर रहा है चाहे कोई भी बनाए रशियन बनाए अमेरिकन बनाए इंडियन बनाए कर तो इंसान ही तरक्की रहा है ना तो यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है कह रहा है कि भले ही हम में से किसी ने सैटेलाइट को नहीं बनाया लेकिन बनाया तो किसी इंसान नहीं है इंसान तरक्की कर रहा है खुशी होनी चाहिए हम लोगों को अब निधु बाबू कहता है कहता है छोड़ो यार सैटेलाइट की बातें नहीं करते हैं। सैटेलाइट एक मशीन ही तो है जो अर्थ के गोल गोल घूमती रहती है जिस तरह से लट्टू घूमता है उसी तरह से सैटेलाइट घूमती है भाई पंखा चलाओगे तो पंखा भी तो घूमने लगेगा कौन सी बड़ी बात है बात तो तब बड़ी होती जब रॉकेट को भेजा जाए रॉकेट है बड़ी चीज तो सैटेलाइट में क्या है लट्टू भी घूमे पंखा भी घूमे सैटेलाइट भी घूमे इसमें तो कोई बड़ी बात ना है दोस्तों अब चंदे बाबू दोबारा से बोलते हैं अपनी नाक सिकोड़ते हुए रॉकेट क्यों रॉकेट क्यों कह रहे हो रॉकेट में ऐसा क्या है भाई हाँ अगर रॉकेट हमारी कंट्री इंडिया में बनता और कलकत्ता के मैदान से छोड़ा जाता और हम सब कलकत्ता मैदान में जाते टिकट को खरीदते और मैदान में बैठ के रॉकेट को उड़ता हुआ देखते तब तो मजा आता गुरु तब तो मजा आता टिकट खरीद के मैदान में जब रॉकेट को उड़ता हुआ देखते कलकत्ता में रामकनी भी बोलता है कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो रॉकेट का अपने गांव में कोई काम ही नहीं है दोस्तों अब बोलेगा भैरव चक्रवर्ती कहता है कि मान लो कोई दूसरे प्लेनेट का क्रिएचर हमारी दुनिया में आ गया तो क्या होगा अगर एलियन आ भी गया तो हमें दिखाई थोड़ी देगा हाँ हाँ सही बात है सही बात है और सभी लोगों का ध्यान चाय के कप पे चला गया अब कोई बात ही नहीं है कहने को जितना ये लोग सोच सकते थे जितना अनुमान लगा सकते थे उतना अनुमान इन्होंने लगा लिया अब इनके पास में कुछ भी नहीं है कहने को थोड़ी देर के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला और फिर बॉन्कू बाबू ने अपना गला साफ करके धीरे से कहा मान लो मान लो अगर वो यहां पर आ गए दोस्तों यहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्पेस की बातों से ये लोग अब एलियन की बातों पर आ गए अब जैसे ही बोंकू बाबू ने कुछ बोला सब लोगों के कान खड़े हो गए सभी लोग तैयार बैठे होते हैं बोंकू बाबू का मजाक बनाने के लिए नीदू बाबू चौक के कहते हैं अरे, अरे 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 बंकम कुछ कहना चाहता है क्या कहा तुमने बंकम कौन आ रहा है यहां पर और कहां से आएगा बोंको बाबू ने अपनी कही हुई बात को दोबारा से दोहराया उनकी आवाज इस बार भी धीमी ही थी कहते हैं कि मान लो अगर दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर कोई आ गया बोंको बाबू के कहने पे भैरव चक्रवर्ती ने उनकी कमर पर तमाशा मारा और फिर जोर से हंसते हुए कहा <laughs> शाबाश क्या बात कही है तो दूसरी दुनिया का क्रिएचर कहाँ पर आने वाला है दुनिया में मॉस्को में नहीं आएगा लंदन में नहीं आएगा न्यूयॉर्क में भी नहीं आएगा यहाँ तक कि कलकत्ता में भी नहीं आएगा आएगा तो यहाँ काकुरगाची में आएगा <laughs> बहुत बड़ा सोचते हो तुम बंकम बहुत बड़ा सोचते हो बंकू बाबू चुप हो गए लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उनके माइंड में आने लगे सोचते हैं कि क्या ये वाकई में इम्पॉसिबल है अगर एलियन दुनिया में आएगा भी तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी जगह पर पहले लैंड करे चलो माना कि काकुरगाची गाँव में एलियन आना बहुत मुश्किल है पर यह किसने कहा कि काकुरछी गांव में कभी एलियन आ ही नहीं सकता इस तरह सवाल के सवाल बाबू के माइंड में आने लगे दोस्तों अभी तक जितनी भी बातें हुई ना श्रीपति बाबू ने कुछ नहीं बोला चुपचाप बैठे रहे वो अब जैसे ही श्रीपति बाबू अपनी गद्दी पर हिले थोड़ा सा सेट हुए सभी लोगों की अटेंशन उनकी तरफ चली गई श्रीपति बाबू ने अपना कप रखा और नॉलेजेबली बात करी मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि भैया है, मैं बहुत बड़ा अज्ञानी इंसान हूँ मुझे बहुत ज्ञान है कहते हैं कि देखो अगर दूसरे प्लानिट से कोई अर्थ पर आएगा ना तो मैं यकीन ये कह सकता हूं कि वो इस जगह काकुर गाची में तो नहीं आएगा ये जगह गॉड फॉर है इस जगह पर तो गॉड भी ना उतरे गॉड का भी कोई ध्यान नहीं होता भैया इस जगह पर क्या बात कर रहे हो तुम और वो एलियन बेवकूफ थोड़ी हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो एलियन साहिब है पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और अगर वो लोग दुनिया में आए तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पर साहिब रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में समझदार पढ़े लिखे साहिब लोग रहते हैं और एलियन भी पढ़े लिखे साहिब लोग हैं तो एलियन साहिब के पास में ही जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में ही जाएंगे सभी लोग श्रीपति बाबू से सहमत हो गए सिर्फ बोंकू बाबू को छोड़ के बस बोंकू बाबू सहमत नहीं थे उन्होंने कुछ नहीं कहा दोस्तों बात को आगे बढ़ाने के लिए चंदी बाबू ने निधु बाबू को ना कोनी मारी हल्के से कोनी मारी उनको और बोंकू बाबू की तरफ इशारा करते हुए कहा उन्होंने अरे क्यों नहीं आएंगे हमारे गांव में एलियन यहाँ पर बंकम बिहारी जैसे लोग जो रहते हैं अगर किसी इंसान नमूने की जरूरत होगी अगर ह्यूमन स्पेसिमेन चाहिए होगा तो हमारे बॉन्म बिहारी से बेहतर नमूना थोड़ी है कोई दोबारा से इन लोगों ने बोंकू बाबू से मजे लेना शुरू कर दिया अब निधु बाबू कहते हैं अरे नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता बनगम दिखने में तो इंसानों जैसा है पर इसका दिमाग इंसानों जैसा नहीं है बॉडी की बात है अगर तो बनगम परफेक्ट नमूना है लेकिन दिमाग की बात ना करो दिमाग ना है इसके पास अब राम का नहीं बोलता है कहता है हाँ हाँ सही है ये सूटेबल है म्यूजियम में रखने के लिए या फिर चिड़ियाघर में रखने के लिए है ये कितनी इंसल्ट कर रहे हैं यार बेचारे की जानवर से कंपेयर कर रहे है कहते हैं कि जू में या म्यूजियम में रखने के लिए सूटेबल है ये नहीं सोच रहे कि बोंकू बाबू भी एक इंसान है उनके भी इमोशंस हैं उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है देखो चार लोग जब मिलते हैं तो हंसी मजाक होता है हम लोग भी मजाक करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन मजाक वो अच्छा होता है जहाँ पर सब हंसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि, कि किसी एक को टारगेट करके सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं बोंकू बाबू कुछ बोलते नहीं है पर मनी मन सोचते हैं कि अगर मैं सूटेबल हूं ह्यूमन स्पाइस के लिए नमूने के लिए तो फिर यहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी उतने ही सूटेबल हैं जितना कि मैं भाई अगर मैं नमूना बन सकता हूँ तो तुम लोग भी बन सकते हो बॉन्कू बाबू अपने मन ही मन में कहते हैं कहते हैं कि श्रीपति बाबू को तो देखो इनकी चिन इनकी थोड़ी इतनी बड़ी है जैसे मानो ऊट की थोड़ी हो आगे कहते हैं और ये भैरव चक्रवर्ती इसकी आंखें तो ऐसी हैं जैसे मानो कछुए की आंखें हो निधु बाबू तो चूहे जैसे दिखाई देते हैं और रामकनाई बकरी जैसा और चंदे बाबू फ्लिटर माउस जैसे लगते हैं फ्लिटर माउस एक ओल्ड फैशन टर्म है जिसका मतलब होता है चिमकादड़ मॉडर्न इंग्लिश में तो चिमकादौड़ को बैट कहते हैं ना लेकिन यहाँ पर ओल्ड फैशन टर्म है ओल्ड टर्म है चमकादड़ के लिए फ्लिटर माउस तो अगर चिड़ियाघर को भरना ही है तो फिर ये सारे लोग सूटेबल हैं अपने आप से कह रहे हैं बॉन्कू बाबू कि ये सब लोग सुटेबल है चिड़ियाघर के लिए दोस्तों बॉन्कू बाबू के इतनी इंसल्ट होने के बाद वो अचानक से रो पड़े बोंकू बाबू यहाँ पर आए थे ताकि थोड़ा सा इंजॉय कर सकें बातचीत कर सकें अब वो और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते थे और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवा सकते थे तो वो उठ खड़े हुए अब देखो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन बोंकू बाबू के ऐसी कंडीशन को देखकर हर कोई पिसल जाएगा कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो पिघल जाएगा लेकिन इन लोगों को, को कोई फर्क नहीं पड़ा इन्होंने फिर से मजाक किया राम का नहीं कहता है दा अपना ध्यान रखना आज मूनलेस नाइट है चांद नहीं निकला मूनलेस नाइट समझते हो अमावस की रात जब चांद दिखाई नहीं देता तो कहता है कि अमावस की रात है ध्यान रखना और सैटरडे भी है आज बहुत शुभ दिन है भूतों के लिए रामगनी की इन बातों पर दोबारा से सभी लोग खूब जोर जोर से हंसने लगे दोबारा से मजाक बन गए बेचारे का अब नाराज होकर के बाबू श्रीपति बाबू के घर से बाहर आ गए रात का टाइम था और बंकू बाबू के पास में ना तो कोई टॉर्च था और ना ही कोई लालटेन लालटेन समझते हो कुछ इस तरह की होती है इसमें तेल डाल के इसको जलाया जाता है रोशनी के लिए तो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है और बंकू बाबू के पास में रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है खैर रोशनी की उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ठंड का टाइम था और ठंड में क्या होता है जो सांप होते हैं ना वो अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते अपने बिलों में ही रहते हैं रोड पे नहीं घूमते ठंड के टाइम पे और दूसरा रीज़न ये था कि बोंकू बाबू को ना अपना रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद था तो वह बिना किसी रोशनी के भी अपने रास्ते पे चल सकते थे समझ में आ गए दोनों रीज़न लाइट की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रास्ते पर साफ तो होगा नहीं साफ रास्ता होगा एकदम और रास्ता उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता भी है तो रोशनी की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली ज़्यादातर लोग इस रास्ते पर ट्रैवल नहीं करते हैं लेकिन बोंकू बाबू के लिए वो रास्ता एक शॉर्टकट था दोस्तों बीते कुछ मिनट्स में बोंकू बाबू को कुछ गड़बड़ लगी कुछ ठीक नहीं लगा रास्ते में चलते हुए बोंकू बाबू को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है पहले तो बोंकू बाबू समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गड़बड़ है आज रात कुछ तो अजीब था कुछ तो अलग था लेकिन क्या अजीब था ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या था उस रास्ते में जो गायब था अचानक से बोंकू बाबू ने रियलाइज किया कि क्या गड़बड़ थी एकदम से उनके दिमाग में आया कि यार झिंगूर शांत है आज झिंगूर की आवाज देखो कुछ इस तरह की होती है आपने जरूर सुनी होगी आवाज तो उस रात क्या था झिंगूर एकदम शांत थे एक भी झिंगूर नहीं बोल रहा था जबकि हरियाली वाले एरिया में तो आप रात को जाओगे तो झिंगूर इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं चुप होते ही नहीं है लेकिन उस रात में एक भी झिंगूर नहीं बोल रहा था जो कि बहुत अजीब था ऐसा कभी नहीं हुआ पहले पूरा शांत पड़ा हुआ था माहौल भयानक सन्नाटा था भाई साहब ऐसा क्या हो गया था जो सारे के सारे झिंगूर शांत हो गए क्या ये सभी झिंगूर सो गए बॉन्कू बाबू परेशान होके बीस गज और आगे बढ़े और फिर अचानक से उन्हें एक लाइट दिखाई दी शुरुआत में तो उन्हें ऐसा लगा कि आग लग गई है लेकिन बोंगो बाबू के कोई जानने वाले थे जिनका नाम था पौनसागोष तो पानसा के ना वहां पे बेम्बूज थे बहुत सारे बैम्बू की खेती हो रखी थी और बैम्बू किसके थे वो पौंशा गोश्त नाम के इंसान के थे जिन्हें बोंकू बाबू जानते थे अब पौशा गोश्त के बैम्बू के झुंड में एक बड़ा सा एरिया पिंक कलर का दिखाई पड़ने लगा देखो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह का सीन है पिंक कलर की लाइट दिखाई दे रही है बहुत सारे बैम्बू हैं और ये बैम्बू है पौशा गोश्त नाम के इंसान के दोस्तों छोटे से तालाब के पास में जो जगह खाली थी ना वहां पर एक बड़े से एरिया में पिंक कलर की लाइट चमकने लगी धुंधली रोशनी भी रिफ्लेक्ट हो रही थी हर एक पेड़ की ब्रांच पर और पेड़ के पत्तों पे पिंक कलर की लाइट पड़ रही थी पेड़ पे उनकी ब्रांचेस और उनके पत्तों पे लेकिन तालाब के पीछे का जो ग्राउंड था ना वहां पर बहुत तेज पिंक कलर की लाइट चमक रही थी और ये लाइट जो थी ना वो आग नहीं थी बॉन्कूब बाबू को स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यह आग है लेकिन यह आग नहीं थी क्योंकि आग जो होती है ना उसके लपटे होती है आग जो होती है ना वो भड़कती है लेकिन ये जो लाइट थी वो एकदम शांत थी स्टिल थी एक जैसी थी हिल नहीं रही थी बोंकू बाबू रुके नहीं चलते रहे चलते रहे एकदम से क्या हुआ बोंकू बाबू के कान बजने लगे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके कानों में बहुत जोर से कर रहा है बहुत शोर मचा रहा है उनके कान में और वो इस शोर को रोक नहीं सकते थे बोंकू बाबू के रोंगटे खड़े हो गए आपकी बुक में लिखा हुआ है गूस पिंपल्स गोस पिम्पल बोलो गोस बम बोलो या फिर बोलो आप गोस फ्लैश एक ही मतलब होता है इनका रोंगटे खड़े हो जाना सरप्राइज हो जाना देखो बोंकू बाबू ने कहा था कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता लेकिन ऐसी सिचुएशन में डर तो लगता है भाई है तो इंसान ही लेकिन इतना ज्यादा एक्साइटेड थे बोंकू बाबू उस लाइट को देखने के लिए इतना बेचैन हो रखे थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और लाइट को देखने के लिए चले गए आगे दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन में बोंगू बाबू की जगह पर होते तो आप क्या करते जिसका कमेंट सबसे ज्यादा फनी होगा ना उसको मैं पिन करूंगा चलो कहानी पर वापस आते हैं तो जब बोंगू बाबू बहुत सारे बैम्बू के पास में जाते हैं तो कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट उन्हें दिखाई देता है वो चीज़ ऐसी थी जैसे मानो एक बहुत बड़े शीशे की कटोरी को उल्टा करके रख दिया हो और उस उल्टे शीशे की कटोरी ने पूरे तालाब को कवर कर दिया हो शीशे में से हल्की हल्की लाइट पास हो रही थी शीशा ट्रांसल्यूसेंट था ट्रांसल्यूसेंट मतलब दिखाई तो दे रहा था उसमें से लेकिन बहुत कम जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि गाड़ियों के ऊपर काला शीशा चढ़ा हुआ होता है तो काले शीशे में से आपको दिखेगा तो सही लेकिन बहुत कम दिखेगा वैसे थोड़ा थोड़ा जब दिखाई देता है तो उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं और जब बिल्कुल आर पार दिखाई देगा तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं तो शीशे की कटोरी में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और उसके आसपास का जो पूरा एरिया था ना वो पिंक कलर की लाइट से चमक रहा था बॉन्कू बाबू थोड़े और कदम आगे चले ताकि उन्हें अच्छी तरह से दिखाई दे वो देखना चाहते थे कि आखिर ये है क्या लेकिन एकदम से बोंकू बाबू का ऐसा लगा जैसे मानो उनके जिसम में बिजली दौड़ी हो और अगले क्षण बोंकू बाबू पूरी तरह से वहां पे जाम हो गए बॉन्कू बाबू हिल निभा रहे थे जाम हो गए थे उनके हाथ पैर इनविजिबल रस्सी से बंध गए थे रस्सी दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन उनके हाथ पैर जगड़ गए थे और जब उनका जिसम जकड़ा ना तो फिर उनकी ताकत खत्म हो गई वो कुछ भी नहीं कर सकते थे हिल भी नहीं सकते थे एक जगह बिना हिले जुले वो जाम हो गए अब बोंकू बाबू ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे थोड़ी देर बाद बोंकू बाबू अभी भी जाम है वहाँ पे ठीक है तो बोंकू बाबू ने देखा कि उस चीज़ में से उस ऑब्जेक्ट में से धीरे धीरे सांस लेना बंद कर दिया देखो ऑब्जेक्ट सांस नहीं ले रहा था लेकिन जब सांस लेते हैं ना हम तो थोड़ा सा हिलते हैं थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट था ना वो हिल रहा था थोड़ा बहुत लेकिन अब उसने हिलना बंद कर दिया था और फिर अचानक से बोंकू बाबू के कानों में जो हुम, हुम, शोर मच रहा था वो शोर भी रुक गया इसके बाद क्या हुआ एक आवाज बोली जो सन्नाटा उस रात छा गया था उस सन्नाटे को खत्म किया उस आवाज ने और वो आवाज इंसान की थी लेकिन बहुत ही पतली आवाज थी बहुत बारीक आवाज थी और वो आवाज थी मिली मिली बहुत जोर से उसने कहा बॉन्कू बाबू ये आवाज सुन के उछल पड़े उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है ये कौन सी लैंग्वेज थी और बोल कौन रहा है ये दोस्तों इसके बाद जो आवाज सुनाई दी ना उस आवाज ने दोबारा से बॉन्कू बाबू के दिल को छलांग लगवा दी एक झटका लगा बोंकू बाबू को सुन के उसने कहा हूं हूं आरियो बाबू अपने आप से कहते हैं कहते हैं कि अरे यार ये तो इंग्लिश में बोल रहा है क्या ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है बोंकू बाबू ने सवेलो किया मैं, मैं, मैं दत्ता सर बोंकू बिहारी दत्ता आवाज आई रही यू इंग्लिश आरियो इंग्लिश क्या तुम इंग्लिश हो बॉन्कू बाबू ने चिल्लाया नहीं सर बंगाली सर एक बंगाली सर दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला शांत माहौल हो गया इसके बाद दोबारा से एक आवाज आई और इस बार साफ आवाज थी नमस्कार नमस्कार सुन के बॉन्कू बाबू ने चैन की सांस ली और पलट के ग्रीट किया नमस्कार नमस्कार के बोंकू बाबू ने रियलाइज किया कि उनकी बॉडी ना फ्री हो गई है जो जगड़ लगी थी ना इनविजिबल रस्सी ने उनकी बॉडी को वो बॉडी अब रिलीज हो गई है फ्री हो गई है बोंकू बाबू चाहते तो वहां से भाग सकते थे लेकिन बॉन्कू बाबू वहां से नहीं भागे बॉन्कू बाबू की हैरान आंखें अब देख सकती थी कि वो जो कांच का टीला था ना उसका एक हिस्सा सरक रहा था एक और जिस तरह से दरवाजा खुलता है ना वैसे खुल रहा था आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा देखो इस तरह का स्पेसशिप होता है तो यही बता रहे हैं कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना सड़क रहा था और फिर उस दरवाजे में से होके एक सर निकला बाहर वो सर एक चिकनी चपाट गेंद की तरह था एक बॉल की तरह था उसका सर प्लेन और चिकना और जिसम भी एक अजीब से दिखने वाले प्राणी का था उस क्रेचर के आर्म्स और उसके टांग बहुत ही ज्यादा पतली थी उसके सर को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी एक चमकीले गुलाबी कपड़े से और उसके कान नहीं थे कानों की जगह पर ना छोटे छोटे दो सुराख थे होल्स थे सर के दोनों ओर और नाक की जगह पर भी दो सुराख थे और जहां पर मुंह होता है ना जहां पर होड होते हैं हमारे वहां पर मुंह की जगह पर एक खुला हुआ सुराख था और उसके पूरे जिसम में कहीं पर भी एक भी बाल नहीं था उसकी आंखें गोल गोल थीं और चमकती हुई पीली आंखें थीं और वो आंखें अंधेरे में चमकने वाली थीं जिस तरह से बिल्ली की आंखें चमकती हैं ना रात को अंधेरे में बिल्कुल वैसी ही आंखें थीं उसकी दोस्तों वो क्रिएचर वो प्राणी धीरे धीरे चला बोंकू बाबू की ओर और फिर कुछ फीट दूर आके रुक गया और फिर वो प्राणी बॉन्कू बाबू को बिना पलके झपकाए घूरने लगा बॉन्कू बाबू ने पाया कि उनके हाथ खुद ब खुद जुड़ चुके हैं जैसा आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में कि कुछ एक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी को देख के कुछ एक्शन होते हैं खुद हो जाते हैं समझ में आ रहा है खुद ब खुद बॉन्कू बाबू के हाथ जुड़ गए क्रिएचर को देख के दोस्तों एक मिनट तक लगातार घूरते रहने के बाद उस क्रिएचर ने वही सेम बारीक आवाज में बोला वो आवाज बांसुरी की तरह लग रही थी तो क्रिएचर ने बोला क्या तुम इंसान हो क्या तुम इंसान हो बकु बाबू ने कहा हाँ इंसान हूँ क्रिएचर ने फिर बोला इज दिस अर्थ इज दिस अर्थ क्या ये धरती है हाँ ये धरती है आ, मुझे लगा ही था कि मैं धरती में आ गया हूँ मेरा इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहे थे मुझे तो प्लूटो जाना था अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर उतरा हूँ इसीलिए मैंने पहले तुमसे उस लैंग्वेज में बात की जो कि प्लूटो में बोली जाती है जब तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि मैं धरती पर आ गया हूं पूरा टाइम और मेहनत बेकार हो गई यार ऐसा पहले भी हो चुका है मुझे मार्स पर जाना था और मार्स प्लानिट के बजाय मैं गलत डायरेक्शन में मुड़ गया और जुपिटर में चला गया और जुपिटर जाने के बाद मुझे पूरे एक दिन का डिले हो गया समझ में आ रहा है आपको क्रिएचर ये कहता है कि यार मैं तो प्लूटो में जा रहा था लेकिन गलती से मैं धरती पर आ गया हूं और ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है मुझे मार्स पर जाना था लेकिन मार्स की बजाय मैं जुपिटर पे चला गया था अब ये सारी बातें सुन के बॉन्कू बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या बोंकू बाबू बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे अनकंफर्टेबल इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि वो क्रिएचर बाबू के पास में आया और अपनी लंबी हड्डी वाली उंगलियों से मतलब जो क्रिएचर था ना उसकी उंगलियां बहुत पतली थी सिर्फ हड्डी थी उसमें तो अपनी पतली हड्डी वाली उंगलियों से वो क्रिएचर बोंकू बाबू के हाथ पैरों की जाँच कर रहा था उन्हें टटोल रहा था तो इसी वजह से बेचारे बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे और जब क्रिएचर ने बोंकू बाबू की जांच कर ली पूरी तो फिर अपने बारे में उसने बताया उसने कहा आई एम एंग मैं एंग हूं और क्रैनियस प्लानिट का रहने वाला हूँ और मैं बहुत ज्यादा बेहतर क्रिएचर हूं ह्यूमन से कहता है कि मैं इंसानों से बहुत बेहतर हूँ बहुत सुपीरियर हूं अब ये बात सुन के बहुकू बाबू थोड़ा सा ना भड़क गए उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बोल रहा है कि मैं इंसानों से सुपीरियर हूं तो बंकू बाबू रिएक्ट करते हैं कहते हैं वॉट क्या ये क्रिएचर जो कि मुश्किल से चार फीट लंबा है जिसकी जांघें इतनी पतली पतली हैं जिसका मुंह इतना अजीब सा है ये इंसानों से सुपीरियर है <laughs> क्या मजाक है दोस्तों उसी पल एंग ने बॉन्को बाबू का माइंड रीड कर लिया था एंग कहता है बोंको बाबू से कि कोई शंका करने की जरूरत नहीं है मुश्किल में मत पड़ो तुम मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं इंसानों से बेहतर हूं इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं मैं यकीनन इंसानों से बेहतर हूं और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं तुम्हें अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितनी लैंग्वेजेस को जानते हो ये सवाल सुन के बाबू अपना सर खुजाने लगे और उन्होंने कहा बंगाली इंग्लिश हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी एंग कहता है तुम्हारा मतलब कि तुम ढाई लैंग्वेज जानते हो टू एंड हाफ हाँ एंग कहता है कि मैं चौदह हजार लैंग्वेज को जानता हूँ फोर्टीन थाउजेंड हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूँ और तुम्हारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं ना वहाँ की भी मुझे थर्टी वन आती हैं 14,000 थाउजेंड तो हमारे सोलर सिस्टम की आती हैं और थर्टी वन सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनकी आती हैं और मैं इस सोलर सिस्टम के बाहर ट्वेंटी फाइव और सोलर सिस्टम में गया हुआ हूँ मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ क्योंकि तुम्हें तो ढाई लैंग्वेज आती है बस लेकिन मुझे पूरे सोलर प्लानट पर जितनी भी लैंग्वेजेज बोली जाती हैं वो सब आती हैं इसके बाद एंग बोंकू बाबू से एक और सवाल पूछता है पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है बोंगो बाबू कहते हैं कि मैं तो पचास साल का हूँ एंग कहता है कि मैं एट थर्टी थ्री साल का हूँ और क्या तुम जानवरों को खाते हो दोस्तों बोंकू बाबू ने हाल ही में मटन करी खाई थी काली पूजा पर ठीक है काली पूजा पर मटन करी खाई थी तो मना तो कर नहीं सकते थे कि मैं जानवर नहीं खाता एंग कहता है कि हमने तो मीट खाना बंद कर दिया है सेंचुरीज पहले एंग बताता है कि पहले तो हम ज्यादातर क्रिएचर्स का मांस खाया करते थे लेकिन बहुत सारी सेंचुरीज पहले मांस खाना हम लोगों ने बंद कर दिया मैं तो तुम्हें भी खा सकता था यह बात सुन के बोंकू बाबू ने सवेलो किया दोस्तों एंग बोंगो बाबू को ने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देखने के लिए कहता है और वो जो ऑब्जेक्ट था ना वो जो चीज़ थी वो पत्थर जैसी दिखाई दे रही थी बोंगो बाबू ने उस पत्थर से जैसी दिखने वाली चीज को जब छुआ ना छू के देखा उसको तो एकदम से करंट लगा उन्हें जब पहली बार बोंगो बाबू ने पिंक कलर की लाइट को देखा था पहली बार इसके स्पेसशिप को देखा था तो उनका जिसम जगड़ गया था एक बिजली से दौड़ी थी उनके जिसम में और बिल्कुल वैसी ही बिजली दोबारा से दौड़ी है इनके जिसम में उस पत्थर जैसी चीज को छूने से जैसे बॉकू बाबू को करंट लगाना उन्होंने अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लिया ये देखकर एंग मुस्कुराने लगा एंग कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम एक इंच भी हिल नहीं सकते थे तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ था तुम जकड़े हुए थे क्योंकि मेरे पास में छोटी सी चीज है समझ में आ रहा है जो छोटा सा पत्थर जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है ना एंग के पास में उसकी वजह से बाकू बाबू जकड़ गए थे हिल नहीं पा रहे थे एंग बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी को भी रोक सकता है मेरे करीब आने से और दुश्मन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम उसे पावर कर सकते हैं इससे ज़्यादा अफेक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता देखो हम इंसानों के पास डिफेंड करने के लिए क्या है चाकू है या बंदूक है लेकिन चाकू या बंदूक इतना अफेक्टिव नहीं है और अगर आपने चाकू या बंदूक को सही तरह से चलाया तो दुश्मन को नुकसान हो जाएगा लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना इनके पास में पत्थर जैसा ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये दुश्मन को पावरलेस बना देता है और दुश्मन को कुछ होता भी नहीं है दुश्मन हट भी नहीं होता बॉन्कू बाबू अब की बार तो सच में बहुत ज्यादा शौक गए थे धीरे धीरे उनका माइंड वापस से नॉर्मल स्टेट में आ रहा था देखो कई बार क्या होता है हमें बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है हमें समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है हमारे साथ में और फिर धीरे धीरे हमारा माइंड वापस से नॉर्मल कंडीशन में आता है तो ऐसा ही कुछ बोंकू बाबू के साथ में भी हो रहा था दोस्तों एंग अब बोंकू बाबू से पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम्हें जाने की इच्छा रही हो या कोई ऐसा सीन हो जो तुम देखना तो चाहते हो लेकिन कभी देख नहीं पाए बोंकू बाबू ने अपने मन में सोचा कि यार पूरी दुनिया पड़ी है देखने के लिए देखो बोंकू बाबू ज्योग्राफी पढ़ाते तो थे लेकिन कभी वो बंगाल से बाहर नहीं निकले बंगाल में भी कुछ गांव और शहर घूम पाए हैं खुद बंगाल ही इतना बड़ा है बंगाल में इतना कुछ है देखने के लिए कि बंकू बाबू बंगाल को भी नहीं देख पाए पूरी तरह से बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है जिस स्टेट में पैदा हुए हैं उसी स्टेट को एक्सप्लोर नहीं कर पाए बेचारे बर्फ से ढके हिमालय हैं दीघा का समुंदर का किनारा है सन्डरबंस के जंगल हैं और यहाँ तक कि जो फेमस बैनियन ट्री है जो कि शिवपुर के बोटानिकल गार्डन में लगा हुआ है समझ मार है इतना कुछ है भैया देखने के लिए हमने तो कुछ देखा ही नहीं है सारी दुनिया पड़ी है देखने के लिए दोस्तों बोंकू बाबू ने इन सब जगहों के बारे में सोचा तो था जो नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंशन है इन सब नामों के बारे में बोंकू बाबू ने सोचा था लेकिन फिर भी बोंकू बाबू ने इन जगहों का नाम नहीं लिया उन्होंने एंग से कहा कि बहुत कुछ है जिसे मैं देखना चाहता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा इच्छा जो है मेरी देखने की वो है नॉर्थ पोल मैं एक गर्म देश में रहता हूँ इंडिया एक वार्म कंट्री है है ना और नॉर्थ पोल में आप जानते हैं कि वहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है अब एंग ने क्या करा एक छोटी सी ट्यूब को निकाला उस ट्यूब का एक हिस्सा शीशे से कवर्ड था एंग ने बोंकू बाबू से कहा कि इस छोटी सी ट्यूब में से देखो बॉन्कू बाबू ने जब कांच में से झाँक के देखा ना तो उन्होंने महसूस किया कि उनके सारे बाल खड़े हो गए उनके रोंगटे खड़े हो गए वो देखते के देखते रह गए और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा एंग से कि क्या ये सच हो सकता है क्या वो अपनी आंखों पर यकीन कर सकते हैं जो उन्होंने देखा है क्या ये सच है बाबू की आंखों के सामने बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी जहां देखो वहां बर्फ कोई अंत ही नहीं था बर्फ का और बीच बीच में बड़े बड़े पहाड़ थे और पहाड़ भी बर्फ से ढके हुए थे और आसमान में रेनबो के सारे कलर्स अलग अलग पैटर्न्स को बना रहे थे और वो पैटर्न हर एक सेकंड में बदल रहे थे बोंगो बाबू ने अरोरा बोरियालिस को देखा था अरोरा बोरियालिस को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं ये रंग बिरंगे नेचुरल लाइट होती है और ये कभी कभी दिखाई देती है नॉर्थ पोल पे लग रही है ना देखो कितनी खूबसूरत है इसी बात पे वीडियो को लाइक करो तो बोंगो बाबू ने वहां पर एक इग्लू को भी देखा बहुत एक्साइटेड थे ये सब चीजें देख के उन्होंने सिर्फ जोग्राफी में पढ़ाई करी थी इन सब के बारे में कभी देखा नहीं था और वहां पर एक ग्रुप था पॉलरबियर्स का अरे रुको वहां पर एक और जानवर है एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बोंकू बाबू को वहां पे दिखाई दिया हाँ ये तो वॉलरस है बोंकू बाबू ने कहा दोस्तों वॉलरस कुछ इस तरह का होता है और इनके आपस में लड़ाई होती है बड़ी भयंकर अक्सर इनकी लड़ाई होती है आपस में और ये लड़ते लड़ते खूनम खून हो जाते हैं तो बोंकू बाबू कहते हैं अरे एक नहीं यहाँ तो दो दो हैं दो दो वॉलरस हैं और वो दोनों वॉलरस लड़ाई कर रहे हैं आपस में उनके दांत दिखाई दे रहे थे इतने लंबे सफ़ेद दांत थे जैसे मूलियाँ खड़ी हों मूली होती है ना सफ़ेद कलर की लंबी सी वैसे दांत तो लग रहे थे उनके जैसे मूली खड़ी हो वहाँ पे और वो दोनों वॉलर्स आपस में लड़ाई कर रहे थे और चमकते हुए लाल खून की दरियाएँ बह रही थी मुलायम सफ़ेद बर्फ पे दोनों वॉलरस लड़ते लड़ते खूनम खून हो गए थे और उनकी खून की धाराएँ मुलायम सफ़ेद बर्फ़ पे फैल रही थीं। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के नजारों को देखा बोंकू बाबू ने और उस टाइम दिसंबर का महीना था आप जानते ही हैं कि इंडिया में कितनी ठंड होती है दिसंबर में मेन महीना है ठंड का हमारे यहाँ पे लेकिन दिसंबर के मेन ठंड के महीने में भी बोंकू बाबू को पसीना आने लगे जबकि बोंकू बाबू नॉर्थ पोल को देख रहे थे बर्फीले इलाके को देख रहे थे तब भी उनके पसीने छूट गए होता है ना कई बार कि हमें ठंड लग रही होती है और जब आप किसी बर्फ के इलाके को देखोगे तो और ज्यादा ठंड लगने लगेगी आपको तो यहां पर यही समझाना चाह रहे हैं कि इतनी ठंड होने के बाद भी और इतने ठंडे इलाके को देखने के बाद भी बोंगू बाबू को पसीने छूट गए मतलब बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सरप्राइज थे डरे हुए भी थे अब एंग बोंगू बाबू से पूछता है कहता है कि ब्राजील का क्या ख्याल है क्या तुम ब्राज़ील नहीं जाना चाहते हो ब्राज़ील का नाम सुन के बोंकू बाबू को एकदम से पुराना उसके बारे में याद आया पिराना दोस्तों एक मछली का नाम होता है और ये बहुत खतरनाक मछली होती है देखो ये है पिराना फिश देखने में तो हो सकता है आपको शरीफ सी लग रही हो लेकिन बहुत बहुत खतरनाक होती है ये ये फ्लैश को खाती है और इसके दांत बड़े नोकीले बड़े ताकतवर होते हैं मजबूत अगर किसी जानवर को डाल दिया जाए ना इसके पास में तो पता भी नहीं लगेगा कि वो जानवर गया कहाँ पर पूरा गायब कर देगी सब कुछ खा जाएगी उसका तो बोंकू बाबू को ब्राजील का नाम सुन के एकदम से पिराना मछली का नाम याद आया और वो सोचते हैं कि यार इस एंग के बच्चे को कैसे पता लग रहा है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ कहाँ पर जाना चाहता हूँ इसे कैसे पता जब बोंकू बाबू जकड़े हुए थे ना जाम थे तब एंग ने बोंकू बाबू के माइंड को रीड कर लिया था लेकिन ये बात बोंकू बाबू को नहीं पता है कि मेरा माइंड रीड हो चुका है तो इसलिए परेशान हो रहे हैं बेचारे सोच रहे हैं कि सैंग को कैसे पता कि मुझे कहाँ पर जाना है क्या देखना है दोस्तों अब बोंगू बाबू ने दोबारा से उस ट्यूब में झाक के देखा और इस बार उन्हें दिखाई दिया एक घना जंगल जंगल इतना ज्यादा घना था इतने पेड़ पौधे थे वहाँ पर कि सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थीं। बहुत थोड़ी सी ही किरणें वहां पे दिखाई दे रही थीं। समझ में आ रहा आपको हरियाली इतनी ज्यादा थी उस जंगल में कि रोशनी बड़ी मुश्किल से आ पा रही थी किरणें सूरज की बड़ी मुश्किल से आ पा रही थी पूरा ढक गया था वो हरियाली में पेड़ पौधों में और वहां पर उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की ब्रांच पर ना कुछ लटका हुआ था बोंगू बाबू के स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि ये क्या लटका हुआ है पेड़ की ब्रांच पे और जब उनके समझ में आया ना कि ये क्या चीज लटकी हुई है पेड़ के ऊपर तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह था ओ oh गॉड मैं आपको बता दूं दोस्तों उस पेड़ के ऊपर एक सांप लटका हुआ था और उस सांप का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि बोंकू बाबू ने कभी इतने बड़े साइज की इमेजिनेशन तक नहीं की होगी इतना बड़ा सांप देखना तो बहुत दूर की बात है कभी सोचा भी नहीं होगा कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी बोंकू बाबू ने एनोकोंडा एकदम सुन के दिमाग में ये नाम आया सांप को देख के हाँ बोंगू बाबू ने एनाकोंडा के बारे में पढ़ा था नेशनल जोग्राफिक मैगजीन के ओल्ड एडिशन में ऐसा कहा जाता है कि एनाकोंडा पाइथन सांप से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है पाइथन अजगर सांप को कहते हैं और अजगर भी बहुत बड़ा होता है लेकिन जो एनाकोंडा है ना वो अजगर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, कि कितना बड़ा सांप होगा एनाकोंडा अरे अरे वहां पर देखो वहाँ एक नहर है बोंकू बाबू को एक नहर दिखाई देती है और मगरमच्छ इस नहर के किनारों पर पड़े हुए होते हैं मगरमच्छ धूप को सेक रहे हैं और सो रहे हैं नहर के पास में आपने देखा होगा चिड़ियाघर में मगरमच्छ पड़े रहते हैं धूप सेकते रहते हैं हिलते जुलते नहीं है तो ऐसी यहाँ पर भी कुछ सीन है तो उनमें से एक मगरमच्छ ना पानी में छपाक से गया आवाज आती है ना पानी में मगरमच्छ जाता है तो छपाक सी आवाज़ आती है तो उस आवाज को बोंकू बाबू महसूस कर सकते थे इतना ज्यादा रियल एक्सपीरियंस था उनके लिए लेकिन दोस्तों वो जो क्रोकोडाइल था ना वो पानी में जाते ही बड़ी जल्दी से वापस बाहर आ जाता है पानी से और उस मगरमच्छ की आंखें बाहर निकल रही थी बॉन्कू बाबू ने देखा कि उस मगरमच्छ के पेट में कोई भी फ्लश नहीं है कोई भी मांस नहीं लगा हुआ उसके पेट में और उस मगरमच्छ की हड्डियाँ साफ साफ दिखाई दे रही हैं मांस हट पेट पे से और हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं पेट की और जो थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ है उसकी बॉडी पर उस पर पांच पिराना मछलियां चिपकी हुई थीं और उन मछलियों के दांत बहुत ज्यादा नुकीले थे और राक्षसों जैसी भूख थी उन मछलियों की और मैंने आपको बताया है कि वो मछलियां पिरानास थी समझ मार आपको देखो मगरमच्छ बिल्कुल ठीक था पानी में जाने से पहले लेकिन जैसे ही उसने छपाक से गया पानी में वो तो पानी में जाती पिराना ने उसके ऊपर अटैक किया और जब एकदम से वो बाहर आया ना तो बाहर आया तो देखा कि उसका पेट ही गायब है पिराना उसका पेट ही खा गई बेचारे का और उसके पेट में से ना हड्डियां दिखाई दे रही हैं थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ है उसके तो उसके ऊपर भी पांच पिराना मछलियां चिपकी हुई थी तो इतनी ज्यादा खतरनाक मछली होती है ये इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है पिराना के नाम से फिल्म बनी हुई है हॉलीवुड में दोस्तों बॉन्कू बाबू ये सब भयानक नजारे नहीं देख सकते थे ऐसे नज़ारे देखकर उनका सीना काप गया बहुत डर गए बेचारे और उनका सर घूमने लगा और सर दर्द करने लगा दोस्तों एंग अब बोंकू बाबू से पूछता है कहता है कि अब तो तुम यकीन करते हो ना कि हम लोग तुम इंसानों से सुपीरियर हैं तुमसे बेहतर हैं एंग जानना चाहता था कि बोंकू बाबू को अब क्या लगता है बोंकू बाबू ने अपने सूखे हुए होठों पर अपनी जुबा को फेरा और फिर कहा हाँ हाँ बिल्कुल सच में तुम सुपीरियर हो एंग कहता है बहुत बढ़िया अब देखो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी देर से और तुम्हारे हाथ पैरों की भी जांच कर ली है मैंने तुम तो एक बहुत ही निचले स्तर के प्रजातियों में से बिलोंग करते हो मतलब इंसानों को कह रहा है कि तुम बहुत ही निचले स्तर की प्रजाति हो बहुत पिछड़े हुए हो कोई शक नहीं है इस बारे में निसंदेह मैं ये कह सकता हूं कि तुम इंसान बहुत पिछड़े हुए हो लेकिन जो इंसानों की फितरत होती है ना बुरा करते हैं इंसान लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो जितना कि इंसान बुरे होते हैं जैसी इंसानों की फितरत होती है बुरी वैसे तुम नहीं हो इतने बुरे नहीं हो तुम मेरा मतलब है कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन तुम्हारे अंदर ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है गड़बड़ यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा जेंटल हो आज्ञाकारी हो शांत हो और कमजोर हो और इसी वजह से जिंदगी में तुमने बहुत कम प्रोग्रेस की है तुम्हें हमेशा बोलना चाहिए नाइंसाफी के खिलाफ और अगर कोई भी तुम्हें बेवजह नुकसान पहुंचाए या तुम्हारी बेइज्जती करे तो फिर तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए बर्दाश्त करते रहना गलत है न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि किसी भी क्रिएचर के लिए बर्दाश्त करना बहुत गलत है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राह चलते कुत्ते को लात मारोगे तो वो भौकेगा काट भी सकता है आपके तो कोई भी हो चाहे गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट करना चाहिए गलत के खिलाफ चलो बढ़िया लगा तुमसे मिलके हालांकि मुझे इस टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था लेकिन अब और टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है तुम्हारी धरती पे बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं बोंकू बाबू भी कहते हैं गुड बाय मिस्टर एंग मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आपका बनाया बोंगू बाबू अपनी बात कह ही रहे होते हैं लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही एंग वहाँ से चला जाता है एक सेकंड से भी कम टाइम में एंग अपने स्पेसशिप में कूद गया था और पांशा गोश के बैम्बू से ऊपर उठ चुका था सब कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी से हुआ कि बोंकू बाबू के समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है फटाफट से बैठा और पान गोश के बैम्बू से ऊपर उठ गया और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गया बोंकू बाबू ने महसूस किया कि झिंगूर फिर से बोलने लगे और अब बहुत देर हो गई थी रात काफ़ी ज्यादा हो गई थी तो बोंकू बाबू भी अपने घर की ओर दोबारा से चल पड़े बोंगू बाबू का दिमाग अभी भी मदहोशी में था और धीरे धीरे जो कुछ भी उनके साथ में हुआ था ना उसको उनका माइंड एक्सेप्ट करने लगा था जैसे मान लो आपके साथ में कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो थोड़ी देर तक तो आपको यकीन ही नहीं होगा लेकिन फिर धीरे धीरे आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि जो कुछ भी हुआ है वो रियलिटी है तो ऐसे ही कुछ सीन बोंकू बाबू के साथ में भी है बोंगू बाबू रास्ते में चलते हुए अपने आप से बातें कर रहे होते हैं कहते हैं कि एक आदमी नहीं यार वो एक आदमी तो नहीं था वो तो एंग था जो कि यहाँ पर आया था किसी अननोन प्लेनेट से और यहाँ पर आके उसने मुझसे बात की थी कितनी एक्स्ट्राडनेरी बात है यार कमाल है यकीन करने वाली बात ही नहीं है इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं लेकिन इतने सारे लोगों में किसी को मौका नहीं मिला इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस लेने का लेकिन एक इंसान है बोंकू बिहारी दत्ता जो कि जोग्राफी और बंगाली का टीचर है कांकुरगाछी विलेज प्राइमरी स्कूल में और किसी को ये मौका नहीं मिला मुझे मिला है बोंकू बिहारी दत्ता को मिला है आज से कम से कम इस मैटर में मैं पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान हूँ यूनिक हूं मैं समझ है आपको बोंकू बाबू अपने आप से बातें कर रहे हैं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के लोगों को ये चांस नहीं मिला पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे मिला ये चांस एंग से मिलने का दोस्तों पोंगू बाबू ने महसूस किया कि अब वो चल नहीं रहे थे वो हर कदम पर उछल रहे थे वो डांस करते हुए जा रहे थे देखो अब मजा आएगा कहानी में अगले दिन होता है संडे का और हमेशा की तरह सभी लोग श्रीपति बाबू के घर पर इकट्ठा हुए थे सभी लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग में लोकल पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी रिपोर्ट थी एक अजीब सी लाइट के बारे में लेकिन रिपोर्ट बहुत छोटी सी थी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी इस खबर को रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये अजीब सी लाइट को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही देखा था बंगाल में दो जगहों पर देखो मैं समझाता हूँ आपको अब ये लाइट वाइट दिखने की खबर ना बड़ी आम सी हो गई है बहुत मामूली हो गई थी और इस खबर को रखा जा रहा था फ्लाइंग सॉसर वाली कैटेगरी में फ्लाइंग सॉसर देखो कुछ इस तरह का होता है तो एक छोटी सी खबर को डाल दिया गया फ्लाइंग सॉसर वाली कैटेगरी में कि भैया एक अजीब सी लाइट को देखा गया है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीपति बाबू के अड्डे पे ना आज की रात में पौंशागोश भी मौजूद था याद है ना आपको कल रात पौशागोश के बैम्बू पर ही एंग आया था तो पौंशागोश अपने बैम्बू की बातें कर रहा होता है पौशागोश बताता है कि यार तालाब के आसपास जंगल के बीच में जितने भी बैम्बू थे उन सब के पत्ते झड़ गए हालांकि ये कोई अनयूजल बात नहीं है ऐसा तो होता है पत्तियां तो झड़ती हैं विंटर में लेकिन एक ही रात में इतने सारे बैम्बू की एक साथ पत्ते झड़ जाना ऐसा नहीं होता इतने सारे पौधों की पत्तिया एक रात में एक साथ झड़ जाना ऐसा नहीं होता समझ में आ रहा आपको पत्ते तो झड़ते हैं विंटर में आम सी बात है लेकिन एक ही रात में एकदम से सारे पत्ते झड़ जाना एक साथ यह अजीब था हर कोई इसी के बारे में बातें कर रहा था कि तभी भैरव चक्रवर्ती ने कहा अरे आज बोंकू इतना लेट क्यों हो गया यह बात सुन के सभी लोग चुप हो गए अभी तक तो बोंकू बाबू के एब्सेंस को उनके गैर मौजूदगी को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था लेकिन जब कहा भैरव चक्रवर्ती ने तो सबने नोटिस किया कि हाँ भाई बोंकू बाबू नहीं है निधु बाबू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि बंकम आज अपना चेहरा दिखाएगा क्या कल उसके कान नहीं भर दिए गए थे जब वो अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था श्रीपति बाबू को चिंता हो गई वो कहते हैं नहीं 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 हमें बोंकू तो चाहिए राम कन्हई जाओ और देखो क्या तुम बोंकू को ला सकते हो रामगनी कहता है ठीक है मैं चाय ख़त्म कर लूं अपनी चाय पी के जाता हूँ रामगनी चाय की एक चुस्की लेने ही वाला होता है कि तभी बोंकू बाबू की एंट्री हो जाती है रूम में नहीं नहीं एंट्री कहना तो गलत होगा ये तो ऐसा था जैसे मानो एक छोटा सा तूफान आ गया हो एक छोटे काले आदमी के भेस में तूफान आ गया हो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ की फिल्म्स को देखोगे तो साउथ की फिल्म्स में जब हीरो की एंट्री होती है ना तो एक छोटा सा तूफान आता है साथ में रजनीकांत सर की एंट्री होती है तो छोटा सा तूफान लेकर आते हैं साथ में वो तो यही बताना चाह रहे हैं कि बड़े धमाकेदार एंट्री हुई है बोंकू बाबू की और बोंकू बाबू के इस तूफ़ान को देख सभी लोग एकदम शांत हो गए सभी लोग देखते के देखते रह गए ये सीन देखकर बोंकू बाबू की हंसी छूट पड़ी और खूब ठट्टे मार मार के पूरे एक मिनट तक वो हंसे ऐसा हंसे जैसे पहले कभी उन्हें देखा ही नहीं किसी ने हंसते हुए इससे पहले वो ऐसा कभी हंसे ही नहीं यहां तक कि बोंकू बाबू ने खुद अपने आप को ऐसी कंडीशन में नहीं देखा था जब बोंकू बाबू हंसते हुए रुके तो उन्होंने अपना गला साफ किया गला साफ करके उन्होंने बोलना शुरू किया उन्होंने कहा दोस्तों मुझे बहुत खुशी है तुम्हें यह बताते हुए कि ये आखिरी टाइम है जब तुम लोग मुझे तुम्हारी मीटिंग में देख रहे हो आखिरी बार देख रहे हो तुम लोग इस मीटिंग में मुझे आज मेरा यहां पर आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूँ जाने से पहले तो पहली सच्चाई यह है ये तुम सबके लिए है तुम सबके लिए है पहली सच्चाई और वो ये है कि तुम सब के सब बहुत ही बकवास बोलते हो सिर्फ बेवकूफ लोग ही उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता दूसरी बात दूसरी बात चंदे बाबू के लिए चंदे बाबू से कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में दूसरे लोगों के जूते और अम्ब्रैला छुपाना ना केवल बचकाना है बल्कि बेवकूफपन और गलत है दोस्तों का भी चंदे बाबू ने शैतानी की होगी जूते और अम्ब्रेला छुपा दिए होंगे बोंकू बाबू के तो उसी बात को कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और इस उम्र में तुम बचकाना और बेवकूफ़ हरकतें कर रहे हो बोंगो बाबू कहते हैं कि कृपया करके मेरी अम्ब्रेला और मेरे ब्राउन कैनवस शूज़ को लौटा देना कल मेरे घर पे घर पे पहुंचा देना मेरे जूते और अम्ब्रेला को आगे कहते हैं निधू बाबू से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बंकम बुलाया ना तो मैं तुम्हें निटविट बुलाऊंगा और तुम्हें निटविट नाम के साथ में जीना सीखना पड़ेगा और श्रीपति बाबू से कहते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हैं अफकोर्स आपके पास में चमचे तो होंगे बड़े आदमी हो आप लेकिन एक बात आपको बता दूं आज से आप अपने चमचों की गिनती से मुझे बाहर कर दो अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं अपनी बिल्ली को तुम्हारे यहाँ पे भेज दूंगा मेरी बिल्ली बहुत अच्छी तरह से तलवे चाटती है और ओ तुम भी यहाँ हो पहुंचा बाबू तुम्हें और यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल रात एंग आया था दूसरे प्लेनेट क्रैनियस से और तालाब पर तुम्हारे बैम्बू के खेत में उसने लैंड किया था हमने काफी देर तक बातें की वो आदमी आ माफ करना एंग एंग बहुत ही जेंटल था दोस्तों बोंकू बाबू ने अपनी बातों को खत्म किया और भैरव चक्रवर्ती की कमर पर एक जोर से तमाचा मारा इतनी जोर से मारा कि उसका दम घुट गया सांस आने में दिक्कत हो गई उसको इसके बाद बोंकू बाबू वहां से लंबे लंबे कदम रखते हुए उछलते सीटी बजाते हुए चमकती आंखों के साथ और उठे हुए सर के साथ वहां से चले गए मतलब बताना चाह रहे हैं कि उनकी आंखों में चमकती रीढ़ की हड्डी सीधी थी चाल बढ़िया थी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर पहली बार ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर में दिखाई दे रहा था दोस्तों इसी दौरान क्या हुआ राम कने के हाथ में चाय का कप था वो चाय का कप गिर गया और उस चाय के कप के टुकड़े टुकड़े हो गए और चाय वहाँ पर मौजूद लगभग लग सभी लोगों पर जा गिरी मतलब बताना चाह रहे हैं कि रामकने इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है और उसके हाथ से चाय का कप छूट गया और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है मैं आई सी एस सी की बाकी कहानियों को इसी तरह से आसान से आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्ले लिस्ट आ रही होगी इस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आई सी एस सी इंग्लिश की बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में जय हिंद